नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका महासंग्राम में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। इस बार उन्होंने दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी की पूजा पर सवाल खड़े किए और भगवान के स्वरूप पर टिप्पणी की, जिसके बाद तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर बैन लगाने की मांग की, तो राजभर ने कहा कि स्वामी मौर्य सिर्फ मोहरा है, इस विवाद के पीछे कोई और चेहरा है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। स्वामी मौर्य ने एक बार फिर मर्यादा लांघी है, एक बार फिर हिंदू आस्था पर हमला किया है और सनातनियों के पवित्र त्योहार दिवाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ना सिर्फ देवी देवता का अपमान किया बल्कि पूजा पाठ पर भी आपत्ति दर्ज की है। स्वामी मौर्य ने कहा कि विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंख, दो नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, बीस हाथ और हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? हमने केवल चार हाथ ही नहीं कहा हूं, चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, बीस हाथ, हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है, और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी मौर्य ने भगवान के स्वरूप पर टिप्पणी की और एक नए विवाद को जन्म दे दिया, जिस पर अब सियासी बयानबाजी भी हो रही है और स्वामी मौर्य को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एक होता है मौन समर्थन, अखिलेश जी कहे हैं कि तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, तो अपना बोलते हैं। अगर ये बात कोई गलत करता है बहुजन समाज पार्टी में, तो तुरंत मायावती जी इस मामले में तो एक नंबर है, तुरंत पार्टी से निकालो, बाहर करो। ये अखिलेश जी की चाल है समाज को गुमराह करने के लिए। समाजवादी पार्टी के लोगों को सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं मुसलमानों के वोट पाने के लिए। भगवान राम और रामचरितमानस विवाद के बाद मां लक्ष्मी को लेकर विवादित पोस्ट पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी मौर्य के दो संकल्प हैं, पहला हिंदुओं को गाली देना और दूसरा अखिलेश यादव की लुटिया डुबाना। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग तुच्छ राजनीति के चलते हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं। उन्होंने सीएम योगी से मांग की है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के बोलने पर ही बैन लगा दें। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दो कसम खा रखी, दो संकल्प ले रखे, पहला हिंदुओं को गाली देना है, हिंदू धर्म को गाली देना है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को गाली देना है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कसम स्वामी प्रसाद मौर्य ने खा ली। जब भी बोलते हैं करोड़ों हिंदुओं के दिल को दुखाते हैं। दूसरी कसम उन्होंने खा रखी है अखिलेश यादव जी को बर्बाद करने। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और तमाम एजेंसी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक धर्म को रोज गाली देने वाले व्यक्ति के बोलने पर ही पाबंदी लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान अक्षम्य है, क्योंकि उन्हें इस बार हिंदुओं के त्योहार पर मां लक्ष्मी की पूजा को गलत तरीके से परोसा है, जिस पर अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। साथ ही सवाल अखिलेश यादव के साथ इंडी गठबंधन से भी पूछे जा रहे हैं। आखिर सनातन पर टिप्पणी सोची समझी साजिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो वहीं साधु संतों के साथ बीजेपी ने भी स्वामी मौर्य के बयान की निंदा की और हिंदू देवी देवताओं के लिए सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है। भारतीय जनता पार्टी है जिसने सभी धर्मों के अनुयायियों की भावनाओं का आदर किया है और दूसरी तरफ ये तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हैं, इनका वजूद मिट जाएगा अगर आप भारत में रह के भारत की संस्कृति को नहीं पहचानेंगे, तो जनता आपको जवाब देगी। क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भारतीय संस्कृति के साथ इस तरह का कुठाराघात करना, ये संवेदना इस तरह की हमारी संस्कृति को, लक्ष्मी जी पर आप पत्नी की पूजा करो, अर्चना करो, वंदना करो, ये आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन भारतीय संस्कृति पे कुठाराघात करना ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे नेताओं के साथ कठोर से कठोर दंडित करने की आवश्यकता है इन्हें, कि ऐसे कोई दोबारा कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य न पैदा हो जो हमारी संस्कृति को इस तरह से कुठाराघात करने का काम करे। इधर ओम प्रकाश राजभर इस बार यूपी के साथ ही बिहार में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसके लिए उन्होंने बीजेपी के सामने एक डिमांड रखी है। राजभर ने कहा कि वो यूपी में 3 सीट चाहते हैं और बिहार में 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी के साथ वो अब मंत्री बनने की शर्त पर भी अडिग हैं। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, आखिर ओपी राजभर की रणनीति क्या है। जिस शर्त के साथ ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए थे, जिस टर्म एंड कंडीशन के साथ वो बीजेपी से गठबंधन किए थे, अब उसे जमीन पर उतारने के लिए मोल भाव शुरू हो चुका है। राजभर ने यूपी में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है तो बिहार में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर मंत्री बनाने की बात दोहराई और कह दिया कि मंत्री तो बनकर रहेंगे। और जहां तक सवाल हमारा है तो देखिए, यूपी में भी हम अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए 3% सीट, मतलब लगभग 3 सीट हम लड़ने का प्रपोजल रखेंगे और इसके साथ साथ बिहार में भी हम 2 सीट लड़ेंगे। देखिए, तारीख तो हम लोगों ने नहीं बताई, तारीख तो सूत्रों के हवाले से आप लोगों के चैनलों पे चली और सूत्रों के हवाले से अखबारों में छपी। कोई राज्यपाल या राजभवन से कोई ऐसा पत्र तो जारी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री के यहाँ से तो कोई ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ कि नहीं फला तारीख को शपथ दिलाया जाएगा। हाँ, ये तय है कि हम एनडीए में शामिल हुए हैं और सरकार में शामिल करने की बात तय है, ये फाइनल है। अब जय दिन टल रहा है तय दिन। राजभर का दावा है कि पूर्वांचल में उनकी पार्टी और उनके समाज का दबदबा है तो बिहार में भी वो जमीन तैयार कर रहे हैं। ऐसे में कम से कम 5 सीटों पर SBSP ताल ठोकेगी। हालांकि अभी तक बीजेपी से सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं हुई है। एनडीए के सहयोगी दल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव के लिहाज से कहा कि उत्तर प्रदेश में वो 3 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यही नहीं बिहार की भी 2 लोकसभा की सीटों पर उन्होंने अपना दावा जताया है। ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर कहा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात हुई है और जल्द ही वो प्रस्ताव तैयार कर इन 5 सीटों का बिहार और यूपी की लोकसभा सीटों का केंद्रीय नेतृत्व को देंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सौंपेंगे। मौका जो भी हो, राजभर अपनी डिमांड नहीं भूलते, बेशक अपने वादे भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने की कस्में जरूर खाई, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिल पाई तो कुछ दिनों तक सियासी रण से गायब हो गए और एक बार फिर मंत्री बनने की मांग और 5 सीटों की डिमांड के साथ कम बैक कर चुके हैं। भगवान श्री राम जन्मभूमि के मंदिर में जैसे जैसे विग्रह की स्थापना की तिथि नजदीक आ रही है, सनातन धर्म के विरोधियों की भी मत ठीक हो रही है। मौर्य जी का अपनी पत्नी की पूजा करने का विधान यह बताता है कि उन्हें भी अब स्त्रियों में भी ईश्वरत्व दिखने लग गया है, जो केवल भारत की सनातन संस्कृति में ही संभव है, क्योंकि और कोई संस्कृति, चाहे वो इस्लाम की हो, ईसाइयत की हो या बौद्ध मत की हो, स्त्री में ईश्वरत्व स्वीकार नहीं करती। मुझे लगता है
कि अब मौर्य जी की स्थिति लौट के बुद्धू घर को आए जैसी हो गई है। यानी सुभाषपा अब उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में भी लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है। पार्टी प्रमुख राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो ऐसे में इंतजार अब बीजेपी की तरफ से सीट शेयरिंग पर है। आखिर राजभर को सियासी रिंग में कितनी सीटें नसीब होती हैं और मंत्री बनने का ख्वाब कब तक पूरा होता है देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के बैनर तले एक सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में यूपी के अलग अलग हिस्सों से करीब 2000 लोग शामिल हुए। सम्मेलन का पहला सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुआ, जबकि दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे से जारी है जो शाम 5 बजे तक चलेगा। सम्मेलन के दौरान अलग अलग 8 प्रस्ताव रखे गए हैं। फिलिस्तीन को लेकर अरशद मदनी ने कहा कि फिलिस्तीन को लेकर उठ रही आवाजों को दबाया जा रहा है। उत्तरकाशी में सिलकियारा टनल में रेस्क्यू का काम जारी है और इस बीच बड़ी तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। NHIDCL की लापरवाही सामने आई। यहां बिना सेफ्टी डक्ट के ही टनल बनाई जा रही थी। टनल में लाइटिंग का काम भी नहीं हुआ था। कच्ची टनल खोदकर ही मजदूरों को आगे बढ़ाया जा रहा था। टनल के अंदर से देखिए न्यूज 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पर सिलक्यारा में ये वही निर्माणाधीन टू लेन टनल है जिसमें हादसा हुआ है। सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। अभी 40 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है। यहाँ पर जो तमाम एजेंसियां हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, चाहे वो लोकल पुलिस हो, SDRF हो, NDRF हो या ITBP के जवान यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये करीब 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बननी है। करीब 2-2.5 किलोमीटर के आसपास टनल ये बनाई जा चुकी थी, इस पे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ठीक यहाँ से 270 मीटर के पास ये लूज गिरा है, हादसा हुआ है। करीब 30 से 40 मीटर हिस्से में मलबा गिरा है, उसको निकालने की प्राथमिक तौर पर कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि टनल का जो ये ऊपर का पोर्शन है, ये शॉर्ट किटिंग इसको कहा जाता है, ताकि जो ऊपर का मलबा है वो नीचे न गिरे, टनल सुरक्षित रहे। इसी तरह की शॉर्ट किटिंग वहां पर थी जिससे मलबा भरभराकर नीचे आ गिरा 30 से 40 मीटर हिस्से में। अब कोशिश ये की जा रही है कि वहां से मलबा हटाया जाए और इसी तरह की शॉर्ट किटिंग वहां पर की जाए, लेकिन जो हमारी एजेंसियों से बातचीत हुई, अभी प्राथमिक तौर पर इस शॉर्ट किटिंग के काम में भी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो कोशिश ये की जा रही है सेकेंडरी जो प्लान है ह्यूम पाइप के जरिए उन तक पहुंचा जाए। या पाइप देख रहे हैं, इन्हीं पाइपों के जरिए उनको ऑक्सीजन से लेकर पानी और भोजन पहुंचाया जा रहा है। यह आप देख सकते हैं कि ये पानी का पाइप है जिससे पानी सप्लाई होता था, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो इस पानी को रोककर इनके इसके जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई और इसी पाइप में उनको भोजन भी पहुंचाया जा रहा है। कंप्रेसर के जरिए प्रेशर बनाकर जो मजदूर फंसे हैं उन तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसी से उनसे कम्युनिकेशन भी हो रहा है कि वो इसी पाइप पर वहां से कुछ बोल रहे हैं या पर्ची लिखकर डाल रहे हैं, वो कंप्रेशर प्रेशर के साथ वो पर्चियां बाहर आ रही है। तो फिर यहाँ जो जानकारी मिल रही है कि अभी 40 के 40 लोग सुरक्षित हालात में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। जो तमाम आला ऑफिशियल हैं वो मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं और कोशिश है कि जो 40 श्रमिक फंसे हुए हैं उनको समय रहते जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे, पूरे हालात का उन्होंने जायजा लिया और रेस्क्यू के काम को बारीकी से देखा। इस दौरान न्यूज 18 से बात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी विशेषज्ञ एजेंसियां 40 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के काम में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री सिलक्यारा दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर एक्सपर्ट्स के साथ निरीक्षण भी किया। सर क्या कुछ रहा जो आपने वहां पर निरीक्षण किया?
सभी एक्सपर्ट लगे हुए हैं। देखिए अंदर चूंकि जहां पर ये मलबा आया है और रास्ता बंद हो गया है, उससे आगे 200 मीटर टनल और बनी हुई है, बड़ा स्पेस उसके अंदर है और उसके अंदर जो 40 श्रमिक भाई हैं उन सभी से संपर्क भी स्थापित हो गया है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है। रात में उनके लिए खाने के जो सामान है वो सामान भी भिजवाया गया है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार चल रही है और भी जो एक्सपर्ट लोग हैं उस पर जल्दी से जल्दी रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से इसके लिए गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चिंता व्यक्त करी है, कल वो जब सीमांत क्षेत्र के अपने दौरे के बाद दिल्ली पहुँचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन पर पूछा है और फ़ोन पर सारी विस्तृत जानकारी ली है और उन्होंने कहा है कि हर संभव जो मदद है केंद्र सरकार की तरफ से वो करी जाएगी, हमको आश्वासन दिया है और उन्होंने स्वयं कहा है कि सबकी जान बचाई जानी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम सब लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम सभी श्रमिक भाइयों के पारिवारिक जनों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम हर संभव उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर आपके अधिकारियों से भी बातचीत हुई होगी, अभी क्या उम्मीद है आगे को लेकर और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी? अभी वो दो तीन प्लानों पर काम कर रहे हैं, एक तो मलबा हटा रहे हैं और लगभग 20 मीटर तक मलबा हटाया है उन्होंने और लगता है कि अभी इससे कहीं ज़्यादा मलबा हटाने की आवश्यकता है, लेकिन बीच में मलबा ऊपर से भी आ रहा है, जितना हट रहा है ऊपर से भी आ जा रहा है तो उसके कारण से थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो ह्यूम पाइप यहाँ पर चूँकि मंगाए जा रहे हैं, उन ह्यूम पाइपों के जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके रास्ता बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जैसे ही रास्ता बनेगा, बाकी अभी जो भी अंदर लोग हैं वो सब सुरक्षित हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी ऐसी चिंता की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके का निरीक्षण किया, मुख्यमंत्री ने उन तमाम लोगों को आश्वस्त किया है जो टनल में फंसे हैं, उनके परिजन जो परेशान हैं, कि सरकार चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार पूरी शक्ति के साथ पूरे फोर्स के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि जो 40 लोग फंसे हैं उनको सकुशल वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज 18 सिलक्यारा उत्तरकाशी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।